और ये मेरे ब्रेड पार्सल्स जो है वो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। बहुत उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड पार्सल्स, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से सिंपल ईजी मेथड से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी, किड्स के लिए बेस्ट है और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप उनको ये बना के दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताना मत भूला करें। तो यहाँ ले लिया मैंने एक फ्राइंग पैन, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। अब उसमें मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे ये चिकन का कीमा है मेरे पास तकरीबन 1 प्याली, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे चिकन के कीमे को, तब तक कि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए और लहसुन अदरक के साथ ये अच्छा सा भून जाए। अब चिकन का कलर हमारा बहुत अच्छा सा चेंज हो गया है, भून गया है लहसुन अदरक के साथ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच जितना टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला जो होता है वो डाला है मैंने इसके साथ। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, ठीक है, और थोड़ी सी मैं डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने से बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारे चिकन के कीमे में और टिक्का मसाले से एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा टिक्का मसाला और डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं, इसको कवर करके अब हम पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। चिकन का कीमा तो फटाफट से ही गल जाता है। चिकन का कीमा हमारा बहुत अच्छा सा पक गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 छोटे साइज़ की प्याज, बिल्कुल मैंने उसको फाइनली बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, ये मैंने डाल दी इसमें। इसको मिक्स करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और फिर मैं इसमें डालूँगी केचप मायोनीज जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाने के बाद इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद और फिर हम इसमें मायोनीज और केचप तब शामिल करेंगे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। कीमा हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये केचप और ये मेरी मायोनीज, ये थोड़ी थोड़ी सी मैं दोनों इसमें ऐड करूँगी जितनी मुझे नीड है और इसको अच्छा सा मिक्सअप करेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड के एजेस जो है वो कट करके रख लिए थे इस तरीके से, फ्रेश ब्रेड है बिल्कुल, इसके मैंने एजेस कट करके यहाँ रख लिए। अब इसको हम हल्का सा बेलेंगे, इसके अंदर अपनी ये फिलिंग किस तरीके से लगाएंगे वो हम आपको अभी बताते हैं। पहले मैं इसके अंदर मायोनीज और केचप मिक्स कर, अब चिकन के ब्रेड के स्लाइस को हल्का सा हमने बेल लेना है, हल्का सा बेलेंगे बहुत ज़्यादा नहीं। एजेस कट करने के बाद इसको हल्का सा बेलते हैं और चिकन के कीमे में मैंने केचप और मायोनीज मिला के रख लिया था। अब हाथ की मदद से इसके जो कॉर्नर्स हैं ब्रेड के उस पर मैं हल्का सा पानी लगा रही हूँ ताकि जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे इसको तो ये अच्छा सा स्टिक हो जाएगा ब्रेड का स्लाइस, ठीक है। इस तरीके से हमने लगा लिया, आप चाहें स्क्वायर शेप भी दे दें या चाहें तो ट्रायंगल भी दे दें। इस तरीके से मैं यहाँ पे रखूँगी थोड़ा सा मसाला चिकन के कीमे का और ये वाला एज हम उठा के इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे हल्के हाथ से ताकि हमारी ब्रेड टूटे भी ना और एक अच्छी सी फोल्डिंग हो जाए हमारे चिकन ब्रेड पार्सल्स की, ठीक है। हल्के हाथ से आपने और ये इस तरीके से हमने सारे पार्सल्स अपने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब एक प्लेट में मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छे से बीट कर लिया और दूसरी प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स इस तरीके से रखे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिप करूँगी अंडे में और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे सबको और फिर इनको एक प्लेट में रखेंगे पहले सबको बना के, उसके बाद हम फटाफट से इनको फ्राई कर देंगे। और मैंने इस तरीके से सारे ब्रेड पार्सल्स को जो है वो चिकन ब्रेड पार्सल्स को कोटिंग करके रख लिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, गर्म है हमारा, बिस्मिल्लाह
कढ़ाई थोड़ी छोटी है साइज़ में, तो इसलिए मैं दो दो डाल के इनको फ्राई कर रही हूँ। और जब ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड जो है वो पलट के दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड पार्सल्स जो है वो फ्राई हो गए हैं। और अब और उसके बाद जो रिमेनिंग है हम उनको भी इसी तरीके से ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेंगे। देखें कितना प्यारा, कितना खूबसूरत गोल्डन सा हमारा कलर आ गया। और ये मेरे ब्रेड पार्सल्स जो है वो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से ये लग रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इनका टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन होगा। ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे, सिंपल इजी मेथड है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से कोटिंग ना भी करें, आप तवे पे या फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के इसको ब्रेड को ऊपर से वैसे भी सेक के या टोस्ट करके भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे करें और इंजॉय करें। अब इफ्तार का वक्त है, हम भी इसे इंजॉय करने वाले हैं इफ्तार में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम आपके लिए इस तरीके से नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।